मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस पर हमला, सगाई तोड़ने पर लड़की के भाई की हत्या। जबलपुर में 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। शराब अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला। होली के दिन पिपला डाक बंगला में अवैध शराब विक्रेता के अड्डे पर छापेमारी करने गई खापरखेड़ा पुलिस पर माफियाओं ने हमला बोल दिया। पहले एक पुलिस कर्मी को पकड़कर जमकर पीटा, बाद में पहुंची टीम के सदस्य को भी नहीं बख्शा। शराब माफिया और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि माफिया का भाई फरार है। खापरखेड़ा पुलिस को जानकारी मिली थी कि डाक बंगला स्थित कचुअक मोहल्ले में विक्की चंद्रिका पूरे बड़े पैमाने में महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। करीब 8 बजे खापरखेड़ा पुलिस कोचुक मोहल्ले में छापा मार कर घटना स्थल पर पंचनामा कर रही थी, तभी अवैध शराब विक्रेता की पत्नी ने कपड़े उतार लिए और गाली गलौज करने लगी। तो वही दूसरी ओर सगाई तोड़ने पर लड़की के भाई की हत्या। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सगाई तोड़ने पर SAF के जवान ने लड़की के घर में घुसकर उसके भाई और मां को गोली मार दी। इससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मां गंभीर रूप से घायल हो गई। बाप बेटे ने जैसे तैसे उसके राइफल छुड़ाई और आरोपी जवान को किचन में कैद करके जान बचाई। लड़की का आरोप है कि जवान सिरफिरा साइको टाइप हरकतें करता था, कभी कभी धमकाना और रिश्तेदार को फोन करने से परेशानी, इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी। इन दोनों के मई में फेरे होने वाले थे। DIG ने आरोपी जवान अजीत चौहान एवं गार्ड कमांडर चंद्रभूषण पारशारा को निलंबित कर दिया है। तो वही तीसरी ओर जबलपुर में 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव। 1 अप्रैल गुरुवार से जिंदगी में कई बदलाव होने वाले हैं। मोबाइल, टीवी, AC, फ्रीज, LPG, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। वही लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। जब सैलरी का 50% बेसिक सैलरी होगा, जिले में 62,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीदी होगी। वही कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण में 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।